हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स पॉइंट। मेरा नाम है अभिषेक। आज हम जो हमने लास्ट क्लास में कुछ केस स्टडीज देखी सीबीएसई की, उस बची हुई केस स्टडी को कवर करेंगे और कुछ एडिशनल केस स्टडी भी हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। रितु इज द मैनेजर ऑफ नॉर्दर्न डिविजन ऑफ अ लार्ज कॉर्पोरेट हाउस। एट विच लेवल डज शी वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन? व्हाट आर हर बेसिक फंक्शन? रितु एक मैनेजर है नॉर्दर्न डिवीज़न में, लार्ज कॉर्पोरेट हाउस में। किस लेवल पे वो काम करती है और क्या उसके बेसिक फंक्शन है? एक क्वेश्चन और है, सारे क्वेश्चन सेम ही है जितने आपको दिखाऊंगा। योर ग्रैंडफादर रिटायर्ड फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स डेवलप बाय द टॉप मैनेजमेंट। एट विच लेवल द मैनेजर वॉज ही वर्किंग? स्टेट वन फंक्शन परफॉर्म बाय एट दिस लेवल। दीपक फादर has retired as a purchase manager of a company. At which level of management was he working? What function do you think he was performing? Dheeraj is working in the operation level of Tipcon Limited. Name the manager level at which he was working. Wo ye function pucha hai. Rajat is working as a regional manager. Regional manager, operational manager, purchase manager, aapko pata hai kisi bhi tarah ka manager ho wo kis level pe kaam karta hai. Answer sabko pata hai, wo hai middle management ke andar kaam karte hain. एक ही आंसर दिया है रितु, ग्रैंडफादर, दीपिका फादर, धीरज, रजत, ऑल ऑफ देम आर वर्किंग द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट है, आपको सभी को फंक्शन भी पता है, कोई भी बता सकते हैं जो आपको अच्छे लगते हो, जो आपको याद हो। ही हैज टू एंश्योर दैट द हिज डिपार्टमेंट हैज नेसेसरी स्टाफ। उसका ये देखना है कि बिजनेस के अंदर जो नेसेसरी डिपार्टमेंट है उसके स्टाफ उतना होना चाहिए जितनी रिक्वायरमेंट है। ही हैज टू असाइन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करता है डिपार्टमेंट्स के अंदर। He has to motivate the people in the department. Department के जो पर्सन उन्हें मोटिवेट करें जिससे वो अपने डिजायर को अचीव कर सके। He has to cooperate with the other department cooperate करें जिससे बिजनेस के अंदर स्मूथ फंक्शनिंग रहे। ये सब काम मिडिल मैनेजमेंट के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैभव गारमेंट लिमिटेड टारगेट इज द प्रोड्यूस 10,000 शर्ट पर मंथ एट अ कॉस्ट ऑफ 150 पर शर्ट। द प्रोडक्शन मैनेजर कुड अचीव दिस टारगेट एट अ कॉस्ट ऑफ 160 पर शर्ट। Do you think the production manager is effective? Give reason for your answer. ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको दिखाया कुछ और पूछा कुछ है। मैं एक बार क्वेश्चन को हिंदी बताता हूँ आपको। वैभव लिमिटेड का टारगेट है कि उन्हें 10,000 शर्ट बनानी है एक महीने के अंदर, जिसकी कॉस्ट 150 रुपये पर शर्ट होनी चाहिए। ठीक, प्रोडक्शन मैनेजर ने इस टारगेट को अचीव कर लिया है 10,000 शर्ट को, लेकिन 150 की जगह 160 पर शर्ट के रिगार्ड में उसकी कॉस्ट आई है। अब क्वेश्चन पूछा है, Do you think the production manager effective? क्वेश्चन में जो कमी है वो कमी कॉस्ट की है, मतलब एफिशिएंसी की है, क्योंकि उसने शर्ट तो बना दी 10,000 पर शर्ट पर मंथ के अंदर, लेकिन उसने कॉस्ट बढ़ा दी है, मतलब इफेक्टिव है लेकिन एफिशिएंसी नहीं है उसके अंदर। लेकिन क्वेश्चन पूछा कुछ और है, दिखाई आपको एफिशिएंसी है कि उसने कॉस्ट बढ़ा दी है, लेकिन क्वेश्चन पूछा डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर इफेक्टिव, पूछा कि क्या वो इफेक्टिव है या नहीं है और आपको रीजन दे रहा है। तो हाँ, प्रोडक्शन मैनेजर इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि उसने दिया हुआ सब काम 10,000 शर्ट एक महीने के अंदर बना दी है। अब उसने कॉस्ट के बारे में तो पूछा ही नहीं है, तो जिस बारे में क्वेश्चन ने पूछा ना उस बारे में कभी कुछ मत बताना। उसने सिर्फ इतना पूछा कि क्या बताओ कि प्रोडक्शन मैनेजर इफेक्टिव है या नहीं है। जवाब है यस, यस प्रोडक्शन मैनेजर इफेक्टिव। रीजन, क्योंकि उसने दिया हुआ काम एक महीने के अंदर कंप्लीट कर दिया है। कॉस्ट के बारे में कुछ बताया पूछा नहीं, तो मैंने बताया भी नहीं। यस, द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ वैभव गारमेंट लिमिटेड इज इफेक्टिव एंड ही कुड अचीव द टारगेट टू प्रोड्यूस 10,000 शर्ट इन अ मंथ। दैट्स इट, एक नंबर में। ये कुछ एडिशनल क्वेश्चन हैं जो मैंने अलग अलग बुक से लिए हुए हैं, ये सीबीएसई में एग्जाम्स में नहीं आए, ये अलग अलग बुक्स की वैरायटीज हैं, ये मैंने उनसे लिए हुए हैं। क्वेश्चन, सूरज वर्क एज अ सेल्समैन इन अ कंपनी। तो केस स्टडी को पढ़ने के लिए आपको पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है कि वो पूछ क्या रहा है। दिखा सकता है कुछ और पूछ सकता है कुछ, केस स्टडी में ऐसे ही होता है। गलती यही हो जाती है बच्चों से, उसे लगता है मैंने पढ़ लिया, हाँ उसका दिमाग एकदम चला जाता है कि हाँ जी ये तो दिख गया मुझे कि इसमें कॉस्ट कम है, पर वो कुछ और पूछ लेता है। ऐसे केस स्टडी में बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। तो केस स्टडी बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसे अंडरस्टैंड करना चाहिए और बहुत ध्यान से उसका जवाब देना चाहिए। सूरज वर्क एज अ सेल्समैन इन अ कंपनी सेलिंग पेट एक्सेसरीज एंड फूड्स। ही हैज बीन गिवन अ टारगेट ऑफ सेलिंग 1200 यूनिट ऑफ द फूड पैकेट इन अ मंथ बाय ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% डिस्काउंट to his customer in order to meet his custom monthly sale target on the last 2 days of the month he offered 15% discount to his customer. In the context of the above case, is Suraj effective in his working? Explain by giving suitable reason to support of your answer. Question bada simple hai.
सूरज एक सेल्समैन है कंपनी के अंदर जो पेट एसरीज और फूड्स बेचती है। उसे टारगेट दिया गया कि 1 महीने के अंदर आपको 1200 यूनिट बेचनी है और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट 10% तक का देना है। ठीक, उसने टारगेट को मीट करने के लिए आखिरी के 2 दिनों में 10% डिस्काउंट की जगह उसने 15% डिस्काउंट दे दिया अपने कस्टमर को टारगेट मीट करने के लिए। अब क्वेश्चन पूछा है, बताओ क्या सूरज इफेक्टिव है या नहीं है। ये क्वेश्चन भी घुमावदार है उसी की तरह। देखो क्वेश्चन में दिखाया कि उसने आपका रेवेन्यू को लॉस किया, मतलब कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा रहा है पैसों के रिगार्ड में, कॉस्ट के रिगार्ड में, क्योंकि जहां पे हमने उसे ऑर्डर ऑफर ऑफर कहा था 10% डिस्काउंट दे सकता है, मैक्सिमम से 15% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट एक्स्ट्रा दिया है। लेकिन क्या उसने अपना टारगेट कंप्लीट किया 1200 यूनिट का 1 महीने बेचने का? हाँ, वो तो उसने कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि उसने 15% ऑफर दे के अपना टारगेट आखिरी 2 दिनों में अपना टारगेट अचीव कर लिया। तो क्वेश्चन ने पूछा क्या सूरज इफेक्टिव है या नहीं है। बिल्कुल सही, सूरज तो इफेक्टिव है क्योंकि उसने दिया हुआ काम 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर दिया। कॉस कर रहे हैं, फिर कुछ नहीं पूछा तो उस कर रहे हैं, फिर कुछ मत लिखना। यस, सूरज इज इफेक्टिव इन हिज वर्क एज ही हैज बीन एबल टू मीट हिज मंथली सेल्स टारगेट ऑफ सेलिंग 1200 यूनिट ऑफ द फूड पैकेट। बच्चा कभी बार क्या करता है, वो सोचता है सर मैं एक्स्ट्रा लिख दूंगा तो एक्स्ट्रा लिखने से मेरे एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। एक्स्ट्रा लिखने से कभी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते, पहली बात ध्यान रखना। दूसरी बात, एक्स्ट्रा लिखने से आपको नुकसान क्या होगा, आपका समय खराब होगा एग्जाम में, एग्जाम में आपको क्वेश्चन पेपर पूरा नहीं हो पाएगा। तो हमेशा लिखना है आपको नंबर के हिसाब से। अगर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो उसके बारे में आपको येस नो तो पे तो आपको आधा मार्क्स मिल जाए। जैसे आपने कहा येस तो हाफ मार्क, और हाफ मार्क आपको एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन आधे मार्क्स की 1 लाइन की हो सकती है, 2 लाइन की हो सकती है, उसके ऊपर क्यू पेज आपको 2-4 लाइनें भरनी है। ठीक, तो हमेशा आपको एग्जाम में लिखना है अपने मार्क्स के रिगार्ड में। ठीक, नेक्स्ट, सुजाता वर्क एज अ डिजाइनर इन अ एक्सपोर्ट हाउस। एज पर द टर्म ऑफ द ऑर्डर रिसीव बाय द एक्सपोर्ट हाउस शी हैज टू गेट 1000 यूनिट ऑफ डेनिम जैकेट मेड इन 15 डेज एट द रेट 2000 पर जैकेट। शी इज एबल टू कंप्लीट हर टारगेट प्रोडक्शन इन 20 डेज बिकॉज इन ऑर्डर टू कंप्लीट द टारगेट इन 15 डेज शी वुड हैव मेड द वर्कर ओवर टाइम। एज अ रिजल्ट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर जैकेट मे हैव इंक्रीज बाय 100 रुपीज। इन द कंटेक्स ऑफ द अबव केस इज सुजाता एफिशिएंट इन हिज वर्क एक्सप्लेन बाय गिविंग ए सूटेबल रीजन इन सपोर्ट ऑफ हर आंसर। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं इसकी हिंदी समझा देता हूँ। सुजाता एक काम करती है एक डिजाइनर एक्सपोर्ट हाउस में। एज पर टर्म ऑफ द ऑर्डर, एक ऑर्डर आया उनके पास कि उन्हें एक्सपोर्ट हाउस से 1000 डेनिम जैकेट बनानी है 15 दिनों के अंदर, और जिसकी कॉस्ट होनी चाहिए 2000 पर जैकेट, मतलब कोई भी जैकेट की कीमत 2000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए और वो काम 15 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए। वो उस काम को 20 दिनों के अंदर कर सकती है। शी इज एबल टू कंप्लीट द टारगेट प्रोडक्शन 20 डेज बिकॉज इन ऑर्डर टू कंप्लीट टारगेट इन 15 डेज। उसने कहा ये काम 15 दिनों में, 20 दिन में होगा, क्योंकि अगर मुझे 15 दिनों में करना पड़ेगा काम तो उसे एडिशनल वर्कर को हायर करना पड़ेगा, और एडिशनल वर्कर को हायर करने के लिए उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 रुपये पर जैकेट, मतलब जो जैकेट 2000 में बननी चाहिए वो 2100 में बनकर तैयार होगी। इन द कंटेक्स ऑफ द अबव केस इज सुजाता एफिशिएंट इन हिज वर्क एक्सप्लेन बाय गिविंग सूटेबल रीजन इन सपोर्ट ऑफ हर आंसर। पूछा हुआ कि क्या सुजाता एफिशिएंट है या नहीं है। इसका आंसर है यस, सुजाता एफिशिएंट है, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा वर्कर को हायर नहीं किया, 100 रुपये एक्स्ट्रा नहीं दिए, और उसने वो काम 15 दिनों के अंदर 20 दिनों में कंप्लीट किया, और 2000 रुपये पर जैकेट के हिसाब से उसने जैकेट बनाई है। ठीक, क्वेश्चन में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि उसने काम 15 दिनों में किया है, वो तो आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया कन्फ्यूज करने के लिए कि वो उस काम को 15 दिनों में भी कर सकती है और एडिशनल वर्कर को हायर करके वो जैकेट 2000 की जगह 2100 बना सकती है, लेकिन उसमें नहीं लिखा हुआ ऐसा कि उसने वो काम को ऐसे किया है। उसने लिखा हुआ है शी इज एबल टू कंप्लीट हर टारगेट प्रोडक्शन 20 डेज बिकॉज इन ऑर्डर टू कंप्लीट द टारगेट, लिखा हुआ बिकॉज अगर वो उस काम को करेगी 15 दिनों के अंदर तो उसे टारगेट में अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 रुपये बढ़ाने पड़ेंगे, जो कि उसने नहीं किया। तो क्वेश्चन है क्या सुजाता एफिशिएंट है या नहीं है। मैं कहूंगा हाँ, सुजाता एफिशिएंट है, क्योंकि उसने वो काम 15 दिनों के अंदर 20 दिनों में किया, टाइम बढ़ा दिया लेकिन कॉस्ट बढ़ने नहीं दी। तो एफिशिएंट तो है लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है, पर उसने इफेक्टिव के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा, उसने एफिशिएंट के बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो ये भी एक घुमाव क्वेश्चन है जहां पे आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर जवाब देना पड़ेगा। एक छोटे से यस नो के ऊपर आपकी सोच क्वेश्चन गलत हो सकता है और आपके काफी नंबर खराब हो सकते हैं। यस, सुजाता इज एफिशिएंट इन हिज वर्क एज शी हैज बीन एबल टू गेट 1000 यूनिट ऑफ डेनिम जैकेट मेड एट दैट 2000 पर जैकेट। सिंपल। नेक्स्ट, अंजू एंड मंजू आर गुड फ्रेंड्स कंसिडरिंग द फैक्ट दैट द एक्टिविटी इन्वॉल्विंग इन मैनेजिंग
चल जा। मैनेजिंग एंड एंटरप्राइज, चल जा भाई, चल गया। क्वेश्चन है, अंजू एंड मंजू आर गुड फ्रेंड्स कंसीडरिंग द फैक्ट दैट द एक्टिविटी इन्वॉल्विंग इन मैनेजिंग एंड एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर कंप्लीटिंग देयर मास्टर इन बिजनेस मैनेजमेंट बोथ ऑफ देम टेक अप अ जॉब एट मैनेजरियल लेवल इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एज पर द इंडिविजुअल एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अंजू टेक अप अ मैनेजरियल जॉब इन अ रिटेल कंपनी एंड स्ट्राइव टू इंक्रीज सेल्स वेयर एज मंजू जॉइन एन एनजीओ and work diligently to realize its objective related to providing employment to specially able person. Both of them have to perform a series of continuous composite but separate function. On some day, Anju may spend more time in planning a future display layout and another day she may spend time in sorting out an employee problem. Both Anju and Manju make conscious effort to build a feeling to team spirit and coordinate among diverse individuals with different needs who work under them. The effort of their management is noticeable in the respective department as the targets are met according to the plan. Employees are happy and satisfied and there is orderliness in its function rather than chaos. In context of the above case, identify the various feature of management highlighted in the above paragraph by quoting line from it. क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि कौन कौन से मैनेजमेंट के फीचर यहाँ पे लग रहे हैं लाइन को कोट करने के साथ साथ। ठीक, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैं फिर भी आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। अगर क्वेश्चन में लाइन कोट करने वाली बात आती है तो आपको लाइन कोट करनी पड़ती है जिससे आपको उस लाइन से पता लगता है कि सर इस लाइन से मुझे पता लगा कि सर मैनेजमेंट ऑल प्रोग्रेसिव है, मैनेजमेंट ऑल डायनामिक है, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो आपको लाइन कोट करनी जरूरी है। ठीक, अंजू एंड मंजू एक दो दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, अपने फैक्ट्स को देखते हुए उन्होंने मैनेजिंग एंटरप्राइज में कॉमन गोल को देखते हुए उन्होंने क्या किया, अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी बिजनेस मैनेजमेंट में और उन्होंने जॉब ले ली है कहीं पे डिफरेंट लेवल अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अंजू ने जॉब पकड़ी है रिटेल कंपनी के अंदर जहाँ, और मंजू ने एक एनजीओ पे जॉब पकड़ी है जहाँ पे वो काम करते हैं, कहते हैं join NGO and work diligently to realize its potential, provide employment to both of them have common to series continuous, दोनों के पास कुछ continuous काम है जो continuation में चलता रहता है, composite भी है और separate function है। someday कुछ दिन अंजू ज़्यादा टाइम लगाती है planning के ऊपर, future display के ऊपर, कभी कभार वो टाइम लगाती है employee problem को sort out करने के लिए। बहुत अंजू एंड मंजू मेक कॉन्शियस एफर्ट टू बिल्ड, और दोनों ही एफर्ट करते हैं जिससे बिजनेस के अंदर टीम स्पिरिट बन रहे एंड कोऑर्डिनेशन बना रहे अमंग डाइवर्स एलिमेंट डिफरेंट नीड ऑफ द वर्कर। द एफर्ट, और उनके एफर्ट को नोटिस किया गया और जो उनके डिपार्टमेंट है उनके अंदर उनके जो काम है वो सेट, वो टारगेट अचीव हो रहे हैं, उनके एम्प्लॉय हैप्पी हैं और उनके प्लान मीट हो रहे हैं। अब क्वेश्चन ने पूछा हुआ आपसे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फीचर ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन लग रहे हैं। फीचर ऑफ मैनेजमेंट आपके पास सात है, आपको पता ही है कौन कौन से हैं। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज ऑल प्रोग्रेसिव, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन, मैनेजमेंट इज ग्रुप गोल्स और मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस, मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स। तो यहाँ पे कौन कौन से लग रहे हैं, यहाँ पे आपको ये नहीं कि कोई सही बता देने हैं, यहाँ पे जो इस ऊपर आपको पढ़ के पैराग्राफ पढ़ के पता लगा वही आपको यहाँ पे बताने हैं। तो शुरू करते हैं, आपको दो तीन तो शायद आइडेंटिफाई कर भी लिए होंगे आपने लाइन से। फीचर ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइट नाउ पैराग्राफ स्टेटेड बिलो। सबसे पहला, मैनेजमेंट इज ऑल प्रोग्रेसिव, आपको पता है मैनेजमेंट हर जगह मौजूद है। देखो मैनेजमेंट जहाँ पे वो रिटेल स्टोर में काम कर रही है अंजू वहाँ पे भी है, और जो एक एनजीओ में काम कर रही है मंजू वहाँ पे भी है। ठीक, तो मैनेजमेंट इज ऑल प्रोग्रेसिव, ये पॉइंट यहाँ सेटिस्फाइड होता है उस लाइन से। कंसीडर द फैक्ट दैट द एक्टिविटी इन्वॉल्विंग मैनेजिंग एंड एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर कंप्लीटिंग देयर मास्टर इन बिजनेस मैनेजमेंट बोथ ऑफ देम टेक अप अ जॉब लेवल ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एज पर इंडिविजुअल एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, मैनेजमेंट हर जगह मौजूद है। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। अंजू टेक अप अ मार्केटिंग जॉब इन रिटेल कंपनी एंड स्ट्राइव टू इंक्रीज सेल वेयर बाय मंजू गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, जहाँ पे रिटेल का कुछ और काम हो सकता है रिटेल कंपनी का, और जो उनका मंजू है इनका एनजीओ उनका जॉब कुछ अलग हो सकता है। तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है जो गोल अचीव कराने में मदद करता है मैनेजमेंट। मंजू जॉइन एन एनजीओ एंड वर्क डिलिजेंटली टू रियलाइज द ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू स्पेशली एबल पर्सन। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यूस है। बोथ ऑफ देम हैव अ सीरीज परफॉर्म अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शन, लाइक ऑन सम डे कुछ अलग अलग
किसी दिन मंजू प्लानिंग करती है, किसी दिन वो एम्प्लॉयमेंट के एम्प्लॉय प्रॉब्लम सॉल्व करती है। और भी लग रहे हैं मैम, इट इज ग्रुप एक्टिविटी है, एक अकेले काम नहीं है। बोथ मंजू एंड अंजू कंसीडर एफर्ट ऑफ बिल्ड अ फीलिंग ऑफ टीम स्पिरिट, जहाँ पर टीम स्पिरिट बनती है एंड कोऑर्डिनेट अमंग डिफरेंट एलिमेंट इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट नीड हु वर्क देम अंडर देम। और भी है मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स, इंटेंजिबल फोर्स जहाँ पे मैनेजमेंट दिखता तो नहीं है लेकिन उसकी प्रेजेंस फील कर जा सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे एम्प्लॉय हैप्पी हो, सेटिस्फाइड हो और झगड़े ना हो बिजनेस के अंदर। द एफर्ट ऑफ देयर मैनेजमेंट इज नोटिसबल इन देयर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट एज टारगेट आर मीट अकॉर्डिंग टू प्लान, एम्प्लॉय आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एंड देयर इज ऑर्डिनेस इन अ फंक्शन रादर देन कि थोड़ा सा नीचे हो गया, देख लिया ध्यान से। नेक्स्ट आज खत्म कर देंगे इसे, थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है पर ज़्यादा नहीं होंगी, 4-5 वीडियो क्लास और होंगी शायद। रियल अलाइन लिमिटेड इज अ वेल नोन सीमेंट कंपनी इन इंडिया, इट इज एबल टू अर्न एडिक्वेट रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट, इट्स कैपिटल बेस्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉय एंड प्रोडक्शन टर्नओवर हैज इंक्रीजिंग मैनीफोल्ड ओवर देयर, द रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस इज ऑल्सो क्रेडिबल क्रेडिबल The employee of the company are happy and satisfied with their remuneration, working condition, promotion policy, etc. As a part of its moral obligation, the company has taken many initiatives for providing employment to specially able person and promoting literacy in the village adopted by it. In the context of the above case, identify and explain the various type of objective of management being fulfilled by Real Ally Limited by quoting line from the paragraph. वही question है कि कौन कौन से व्यक्ति यहाँ पे satisfied किए गए management के। मैनेजमेंट तीन ही व्यक्ति हैं और मेरे हिसाब से यहाँ तीनों ही लग रहे हैं। क्वेश्चन की हिंदी समझा देता हूँ। एक रियल एलाइन लिमिटेड है, वेल नोन सीमेंट कंपनी है जो अपने एडिक्वेट रेवेन्यू कमाती है अपनी कॉस्ट को कवर करने के लिए। नंबर ऑफ एम्प्लॉय प्रोडक्शन टर्नओवर काफ़ी बढ़े कई सालों के अंदर। रेट ऑफ प्रॉफिट बिजनेस इज ऑल्सो क्रेडिबल और उनका जो प्रॉफिट है वो भी क्रेडिबल है, मतलब इसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी आर हैप्पी, कंपनी के एम्प्लॉय हैप्पी हैं, सेटिस्फाइड है अपने रेमुनरेशन से, जो वर्किंग कंडीशन है उनका, जो प्रमोशन पॉलिसी है सबसे। एज पार्ट ऑफ इस मॉरल ऑब्लिगेशन, जैसे मॉरल ऑब्लिगेशन की कंपनी क्या, कंपनी ने टेक किया मैंने इनिशिएटिव प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करी स्पेशली एबल पर्सन को, गाँव में प्रमोट किया लिटरेसी को, विलेज में अडॉप्टेड बाई इट जो उन्होंने विलेज को अडॉप्ट किया, तो ये सब है काम। तो उसने अपने एम्प्लॉय के लिए भी किया, एम्प्लॉय खुश हैं, पर्सनलिटी फुलफिल किया, समाज के लिए भी कुछ किया, अपने विलेज में लिटरेसी प्रोवाइड करी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए करता ही है, प्रॉफिट कमा रहा है, ग्रोथ कर रहा है, तो तीनों ही लग रहे हैं। देखते हैं द वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट बींग फुलफिल्ड बाय रियल एलाइन लिमिटेड आर स्टेटेड बिलो। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव टू अचीव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, मेनली आपको तीन ऑब्जेक्टिव हैं ऑर्गेनाइजेशन के, सर्वाइवल, इट अनएडिक्वेट सर्वाइवल तो करता है, एडिक्वेट प्रॉफिट कमाता है अपने कॉस्ट को कवर करने के लिए, ग्रोथ भी कर रहा है कंपनी की, प्रॉफिट बढ़ रहा है मैनीफोल्ड ओवर द ईयर और प्रॉफिट ग्रोथ के साथ प्रॉफिट भी है, द रेट ऑफ प्रॉफिट हैज बिजनेस आल्सो क्रेडिबल सॉरी। पर्सनल ऑब्जेक्टिव उसने एम्प्लॉय की सेटिस्फाइड किया, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है आपकी बिजनेस में। द ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू नीड ऑफ द एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन व्हिच मस्ट बी गिवन डिस्कस, द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी आर हैप्पी सेटिस्फाइड विद देयर रेमुनरेशन, वर्किंग कंडीशन, प्रमोशन पॉलिसी एक्सेट्रा, लाइन कोड करी हमने। नेक्स्ट सोशल एक्टिव हमें पता लगा है कहाँ से, जहाँ पे उन्होंने समाज के लिए कुछ किया। इट इज एक्सपेक्टेड दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक सर्टेन इनिशिएटिव फॉर वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी एट लार्ज, अ पार्ट ऑफ इस मॉरल ऑब्लिगेशन द कंपनी हैज टेकन मेनी इनिशिएटिव फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू स्पेशली एबल पर्सन एंड प्रमोटिंग लिटरेसी इन द विलेज अडॉप्टेड बाय इट, सेम जो हमने पहले कर चुके हैं। मतलब देखो अगर आपने ध्यान दिया, क्वेश्चन वही बार बार घूम घूम के आ रहे हैं, लेवल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, ऑब्जेक्टिव के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है और बस यही क्वेश्चन बन रहा है बार बार, और आपका एक अफेक्टिवनेस बचे एफिशिएंसी के ऊपर, मतलब एग्जाम में इस अगर केस स्टडी आती है तो इन तीन चार टॉपिक के ऊपर आती है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है डायरेक्ट क्वेश्चन एक बनता है कोऑर्डिनेशन के ऊपर, इंपॉर्टेंट है वो डायरेक्ट क्वेश्चन में एग्जाम में वो आता है, या फिर आपसे फीचर पूछ लेता है आपके मैनेजमेंट के। और क्या रामानुजन ज्वाइन एन IT फर्म एज अ सिस्टम एनालिस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग हिज मास्टर इन कंप्यूटर साइंस, एज अ मैटर ऑफ हिज वर्क डिमांड ही हैज टू वर्क इन very close coordination with all the department head in the firm. Very soon, Ramanujan realized that each department head has own individual style of working. They differ greatly in their day-to-day approach to work. They tend to deal with a given situation, an issue or a problem through a combination of their own experience, creativity, imagination, initiative, and innovation.
In the context of the above case, identify and explain the nature of management highlight in the above case. ये पहली बार क्वेश्चन आया अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए ये अभी तक नहीं आया. नेचर ऑफ मैनेजमेंट आपको पता है नेचर मैनेजमेंट तीन है, एज एन आर्ट, एज ए साइंस और एज अ प्रोफेशन. तो यहाँ पे कौन सा नेचर लग रहा है? पहले नेचर लगने से पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए. रामर ने ज्वाइन करी एक आईटी फर्म एक सिस्टम एनालिस्ट के तौर पर अपनी कंप्यूटर साइंस की डिग्री कंप्लीट करने के बाद. एज अ नेचर ऑफ हिज वर्क डिमांड ही हैज़ टू वर्क इन वेरी क्लोज कोऑर्डिनेशन विद ऑल द डिपार्टमेंट हेड्स. तो उसके वर्क के देखते हुए उसे सारे डिपार्टमेंट हेड के साथ बहुत कोऑर्डिनेशन करके काम करना पड़ता है. वेरी सून रियलाइज दैट ईच डिपार्टमेंट हैड इट्स ओन स्टाइल ऑफ वर्किंग. उसे काफ़ी जल्दी समझ में आया कि हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक अलग स्टाइल, ओन स्टाइल है काम को करने का, कुछ अलग ही करने का स्टाइल होता है. इस लाइन से आपको मुझे समझ में आ गया होगा आपको कि मैं किस तरह से आपको बता रहा हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक आदमी का अपने काम को करने का एक स्टाइल होता है, ओन नरेटिव स्टाइल होता है. दे डिफर ग्रेटली इन देयर डे टू डे अप्रोच ऑफ वर्क. दे टेंड टू डील विद द गिवन सिचुएशन एंड इशू और प्रॉब्लम थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ देयर ओन एक्सपीरियंस, अपने खुद से एक्सपीरियंस से, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इनिशिएटिव और इनोवेशन. ये सब आपको शायद समझ में आ गया हो कि हम किस की हमने कहाँ पढ़ा था. ये हमने मैनेजमेंट एज एन आर्ट के अंदर पढ़ा था. एक्सप्लेन किया हुआ नेचर, आपको नेचर बताना है और उसे हाईलाइट भी करना है, उसे एक्सप्लेन भी करना है. इन द अबव केस मैनेजमेंट इज बीइंग कंसीडर्ड एज एन आर्ट. आर्ट इज बताइए आपको आर्ट क्या. आर्ट इज स्किलफुल पर्सनल एक्सिस्टेंस नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड गोल. द एवेल्युएशन ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट इज गिवन बिलो. तीन है मैनेजमेंट के आपके और मैनेजमेंट 100% आर्ट है, हमने पढ़ा भी था. एक्सिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, मैनेजमेंट के अंदर थियोरेटिकल नॉलेज भी है, पर्सनल एप्लीकेशन भी है और आपके पास क्रिएटिविटी भी है. आर्ट प्री सपोज द एक्सिस्टेंस ऑफ सर्टेन नॉलेज, मैनेजमेंट फुलफिल दिस क्राइटेरिया एज देयर एक्सिस्टेंस अ नंबर ऑफ थ्योरीज एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच हैव फॉर्मुलेट बाय वेरियस मैनेजमेंट एक्सपर्ट. पर्सनल एप्लीकेशन है, आर्ट इज अ पर्सनल कंसेप्ट, मैनेजमेंट फुलफिल दिस क्राइटेरिया एज अ गुड मैनेजर वर्क थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ हिज ओन एक्सपीरियंस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इनिशिएटिव एंड इनोवेशन टू कैरी आउट द असाइन वर्क. और बेस्ड ऑन प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिविटी भी ये भी फुलफिल होता है. All art is a practical. Management fulfill this criteria of a business of a person become a better manager with constant practice and experience. This also leads to emergence of different style of management. Next. काफी बड़ा क्वेश्चन है. कार्तिक ने ज्वाइन करी है गारमेंट फैक्ट्री एज अ प्लांट सुपरिटेंडेंट इन लखनऊ. ही ऑब्जर्व दैट द आउटपुट ऑफ सम वर्कर्स इज वेरी लो एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड सेट फॉर देयर परफॉर्मेंस. ऑन एनालाइजिंग द रीजन फॉर द सेम, मैं क्वेश्चन हिंदी साथ साथ बता देता हूँ. कार्तिक ने एक ज्वाइन करी गारमेंट फैक्ट्री एज अ प्लांट सुपरिटेंडेंट. ही उसने ऑब्जर्व किया कि कुछ वर्कर का जो आपका परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से, जो उनका टारगेट है उसके हिसाब से बहुत कम है. और एनालाइज द रीजन को फाइंड आउट करने के बाद ही फाइंड आउट दैट लॉट ऑफ टाइम ऑफ वर्कर इज वेस्टेड इन गेटिंग रिक्वायर्ड मटेरियल इशूड बाय द फ्रॉम द स्टोर. उसने पता लगाया कि ऐसा क्यों हो रहा है. उसने देखा कि बहुत सारा टाइम तो वर्कर बैठे रहते हैं, जब वो ऑर्डर देते हैं स्टोर के पास ऑर्डर सामान आता है उनका बहुत सारा समय लग जाता है और खाली बैठे रहते हैं. वेरियस ऑन आस्किंग द स्टोर कीपर, उसने स्टोर कीपर से पूछा इस बारे में. द स्टोर कीपर कंप्लेन, स्टोर कीपर ने कंप्लेन किया दैट देर इज नो हार्मनी इन द वर्किंग ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. सर कोई कोऑर्डिनेशन है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एज अ होल. एवरी डे द वर्कर अप्रोच हिम एट द लास्ट मिनट. उसने कहा सर बार बार लास्ट मिनट के ऊपर मेरे पास आते हैं और मुझे कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें बताते रहते हैं. टू प्रोक्योर डिफरेंट काइंड ऑफ थ्रेड, कहते हैं कभी थ्रेड दे दो, कभी लेस दे दो, कभी मिरर दे दो, कभी बटन दे दो. उनका कोई कोऑर्डिनेशन, कोई भी आके मेरे सिर पर खड़ा होता है, कुछ भी मांगना शुरू कर देता है. If it is not available in the store, then he has to place an order with the purchase officer. तो अगर कह रहे सर मेरे पास ऑर्डर में नहीं होता तो फिर मेरे परचेज ऑफिसर के पास ऑर्डर लिखवाना पड़ता है, सामान आने में टाइम लगता है. एज रिजल्ट लॉट ऑफ टाइम ऑफ द वर्कर इज वेस्टेड. उसने कहा सर इसी वजह से बहुत सारा टाइम वर्कर का खराब हो जाता है. सो इन ऑर्डर टू इंटरप्रेट द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटी हेंसफोर्थ, कार्तिक एंश्योर्ड दैट द स्टोर कीपर इज इन्फॉर्म वेल 3 days इन एडवांस अबाउट द रिक्वायर्ड मटीरियल. कॉन्सिक्वेंटली द स्टोर कीपर इज एबल टू कीप द मटीरियल रेडी फॉर द वर्कर एवरी मॉर्निंग इन अकॉर्डिंग विद देयर रिक्वायरमेंट. अब उसने कहा, कार्तिक ने कहा कि एक काम करते हैं कि स्टोर कीपर को आप 3 दिन पहले एडवांस में बताओ कि आपको कौन कौन का मटीरियल चाहिए. और स्टोर कीपर भी क्या करेगा, जब वो मटीरियल रेडी हो जाएगा तो वर्कर को सुबह सुबह मॉर्निंग में अवेलेबल करा देगा. ठीक, तो उससे कोऑर्डिनेशन बन जाएगा.
In the context of the work, identify and explain the quality of management that Karthik had introduced in the working of the production department as a correct measure to control the output of the worker. उसने कहा कि कौन सा क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे कार्थी ने इंट्रोड्यूस करी जिससे हमारे बिजनेस की वर्किंग करेक्ट तरीके से हो जाए, वापस हमारी वर्किंग सही हो जाए. उसने क्या किया, उसने कोऑर्डिनेशन ही बनाया. उसने तीन दिन पहले एडवांस दोगे, जब सामान आ जाएगा तो आपको सुबह सुबह मिल जाएगा. एक क्वेश्चन और है इसके शायद साथ. हाँ, एक और है. स्टेट ब्रीफली एनी टू पॉइंट हाईलाइट इन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइट इन द पार्ट ए. ऊपर जो आपने ढूंढा होगा, जो भी होगा, हो सकता है वो मैंने बता ही दिया है, वो कोऑर्डिनेशन है. उस कोऑर्डिनेशन की आपको दो इंपॉर्टेंस बताने हैं. कोऑर्डिनेशन इज द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट दैट कार्तिक हैज इंट्रोड्यूस इन द वर्किंग ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एज अ करेक्टिव मेजर टू कंट्रोल द आउटपुट ऑफ द वर्कर. कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस विच हेल्प टू इंटीग्रेट द एफर्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल एंड डाइवर्स नीड टू सिक्योर अ यूनिटी ऑफ एक्शन इन द pursuit of common goal. टू पॉइंट आप कोई भी बता सकते हो. ग्रोथ इन साइज, कोऑर्डिनेशन करने से बिजनेस में ग्रोथ होती है साइज में. विद द ग्रोथ इन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देर इज अ प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय, सो देर इज अ ग्रेटर नीड टू यूनिटी इन द एफर्ट ऑफ डिफरेंट डाइवर्स इंडिविजुअल टूवर्ड द रियलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल. और फंक्शनल डिफरेंशिएशन है. As a result of functional differentiation in the organization, its people and activity get divided into small part on the basis of function like marketing, finance. Since each department head tend to formulate its normative policy, etc., there is a need to reconcile the goal pursued by each of such department with the goal of the organization as a whole. I hope आपको मेरी जितनी मैंने केस स्टडी समझाई समझ में आ गई होंगी. फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझाने की कोशिश करूँगा. अभी के लिए इतना ही रखते हैं. अब हम नेक्स्ट क्लास से हम हमने इस चैप्टर की केस स्टडी कर ली है. अब हम इसी चैप्टर के एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे. एमसीक्यू हो सकते हैं वो एक एक नंबर में जो एग्जाम में आते हैं 20 नंबर, उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे. सो इतना ही रखते हैं बस. अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें. बस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.